नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाऊं जिसको देख के आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करें और भी आगे बढ़े। दोस्तों, पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, पाइपिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं अगर कोई पाइपिंग इंस्पेक्टर के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। तो आज मैं कुछ और एडिशनल क्वेश्चन उसमें ऐड किया हूँ, और मैकेनिकल इंस्पेक्टर जो तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक और वेल्डिंग इक्विपमेंट के लिए, और जनरल भी मैकेनिकल का जो जनरल होते हैं क्वेश्चंस होते हैं उनको, उससे भी कुछ क्वेश्चन मैं लिया हूँ और उसको कंबाइन करके मैं एक क्वेश्चन बैंक बनाया हूँ जिसको पाइपिंग और मैकेनिकल इंस्पेक्टर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ सहायता कर सकता है। अगर ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं अगर इनका एक नोट बनाए और उसको बार बार सुने और उसको प्रैक्टिस करें तो आप जरूर ही उससे कुछ लाभ पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाइपिंग एंड मैकेनिकल स्टैटिक एंड रोडिंग इंस्पेक्टर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पहला बात है, व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ पाइपिंग इंस्पेक्टर। पाइपिंग इंस्पेक्टर का मेन ड्यूटी क्या होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आप कहीं भी जाते हैं पाइपिंग इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू देने के लिए तो पूछा जाता है, तो क्या क्या होता है। मेटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन वन ऑफ द मेन ड्यूटी ऑफ ए पाइपिंग इंस्पेक्टर। कभी भी कोई प्लांट में मटेरियल रिसीविंग होता है तो एक पाइपिंग इंस्पेक्टर को ही RFI रेज करके उससे इंस्पेक्शन किया जाता है। वो उसका MTC वगैरह, बाकी टेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चेक करके वेरीफाई करते हैं कि मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन बराबर है कि नहीं। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आफ्टर मटेरियल रिसीव होने के बाद उसको बराबर स्टोर कर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। स्टोरेज का सब कैटेगरी होता है, स्टोर ए बी सी डी इस तरह का, कहाँ पर स्टोर होना है, और उसका प्रिजर्वेशन। ओके, प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कटिंग असेंबली एंड फिटअप पाइपिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी है। प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन फिटअप वगैरह पाइपिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटी है। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सॉकेट एंड थ्रेडेड जॉइंट्स। न्यूमेटिक टेस्ट फॉर री इन्फोर्स्ड पैड, जहाँ पर रीइन्फोर्समेंट पैड लगाया जाता है उसका जॉइंट का इंटीग्रिटी चेक करने के लिए न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो भी पाइपिंग इंस्पेक्टर का एक ड्यूटी है। पिकलिंग एंड पैसिवेशन स्टेनलेस स्टील के लिए किया जाता है, वो भी पाइपिंग इंस्पेक्टर का एक ड्यूटी है। डाटाबेस रिपोर्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीटेड स्पूल्स, पाइपिंग प्री इंस्पेक्शन एंड स्पूल इरेक्शन, ORFS फ्लैंज इंस्पेक्शन, पाइप सपोर्ट इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ स्लोप, इंटरनल क्लीनिनेस, वाल्व इंस्टॉलेशन, पाइपिंग प्लान जॉइंट इंस्पेक्शन, प्री टेस्ट पंच लिस्टिंग, हाइड्रो टेस्टिंग एंड प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज पाइपिंग इंस्पेक्टर के ड्यूटी हैं। कोई अगर पाइपिंग इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उसको ये सब चीज के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज में एक एक करके हम लोग आगे में कुछ के बारे में बात करेंगे कि वो सब चीज में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या अगर आप वो फील्ड में काम नहीं किए तो प्रयास कीजिए वो फील्ड में काम करने के लिए। जितना मैं पॉइंट लिखा, मान लिए कोई हाइड्रो टेस्टिंग में काम नहीं किया है, कोई वाल्व इंस्टॉलेशन में काम नहीं किया है, तो वो प्रयास करना चाहिए जहां पर उसको स्कोप मिल रहा है वो वाला काम वो करे। ओके, तो हो गया पाइपिंग इंस्पेक्टर का पहला ड्यूटी जो कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, आपको कहीं भी पूछा जाता है। अगर आप उसमें से कुछ भी पॉइंट बोलते हैं, 10-12 पॉइंट भी बोलते हैं और उसके ऊपर अपना नॉलेज रखते हैं, तो मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको जॉब कैसे भी मिल जाएगा। व्हाई फ्लश ग्राइंडिंग ऑफ रूट वेल्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन ORFS फ्लैंज इज इंस्टॉल्ड। ORFS फ्लैंज जब लगता है तो रूट का ग्राइंडिंग क्यों किया जाता है। ORFS फ्लैंजेस हैव अ वी पोल एट टॉप व्हिच मेजर्स द फ्लो रेट। देयर इज ऑलवेज चांस दैट ड्यू टू रूट वेल्डिंग बिट मे बी द रीडिंग विल बी डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल वन। ORFS फ्लैंज में क्या होता है, एक वी पुल होता है ऊपर में जहां पर एक लगता है प्रेशर गेज वो चेक करने के लिए फ्लो रेट। ओके, तो अगर वह रूट में ज्यादा रूट पेनिट्रेशन होगा या कहीं पर रूट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फ्लो को क्या कर सकता है, ऑब्स्टेकल कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, रूट को ग्राइंड करके फ्लॉस कर दिया जाता है, सो दैट वो जो फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उसका बराबर फ्लो रेट हमको मिल सके। दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन, आपको कहीं भी ORFS फ्लैंज मिलेगा तो उसका रूट आपको फ्लश ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज सॉफ्ट फूड एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। सॉफ्ट फूड क्या होता है, एक मैकेनिकल इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। इरेगुलरिटीज ऑफ द इम्प्रॉपर पैरेललिज्म फॉर द बेस ऑफ एनी स्टैटिक और रोटेटिंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड
हम लोग किसको बोलते हैं, मान लीजिए हमारा आपका बेस्ट प्लेट एक बनाया गया है, बेस्ट प्लेट के पास ऊपर कोई इक्विपमेंट को आप बिठाना चाहते हैं, अगर इक्विपमेंट का जो नीचे का सरफेस है वो बेस्ट प्लेट के ऊपर बराबर नहीं बैठता है, कहीं पर गैप आ रहा है, कहीं पर आपको कुछ टॉलरेंसेस मिल रहे हैं कि उसके अंदर कुछ सिम प्लेट्स वगैरह देना पड़ेगा या उसको मेशनिंग करना पड़ेगा, कुछ बराबर नहीं बैठ रहा, तो जहाँ पर फूट बराबर नहीं बैठते हैं उसको हम लोग सॉफ्ट फूट बोलते हैं। इट कैन बी अवॉइडेड बाय मेशनिंग और बाय इंसर्ट सिम प्लेट्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसकेट डू यू नो, ये एक मैकेनिकल का और पाइपिंग का इंस्पेक्टर का भी क्वेश्चन है। गैसकेट आपको पता होना चाहिए, कितना तरह के गैसकेट है, गैसकेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट्स प्लांट्स और पेरेंट प्लांट्स और प्लांट्स कवर के बीच में वो जो गैप रहता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग गैसकेट यूज करते हैं। ओके, टू अवॉइड द लीक। तो कितना तरह के गैसकेट होते हैं, फुल फेस, एस्बेस्टस, स्पाइरल उन मेटालिक, रिंग टाइप, मेटल जैकेटेड, इनसाइड बोल्ट सर्कल। ठीक है, जो आपका प्लांट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गैसकेट आप यूज करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का गैसकेट आते हैं, एक पाइपिंग का और मैकेनिकल का दोनों का क्वेश्चन है। व्हाट इज लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो और शॉर्ट रेडियस एल्बो क्या है, लॉन्ग रेडियस फॉर स्मॉल प्रेशर ड्रॉप एंड शॉर्ट रेडियस फॉर हायर प्रेशर ड्रॉप, जनरली फॉर कैटलिस्ट फ्लो लॉन्ग रेडियस एल्बो आर यूज, जहां पर कैटलिस्ट फ्लो यूज किया जाता है वहां पर लॉन्ग रेडियस एल्बो यूज किया जाता है फॉर स्मॉल प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटिंग फ्लांजेस, नेम द फोर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटिंग फ्लांजेस, फ्लैट फेस, रेस्ट फेस, आरटीजे, रिंग टाइप, जॉइंट फेस, टॉन्ग एंड ग्रुप फेस। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्ट्रॉ बीन एंड स्ट्रॉ बॉर्न इन ब्रांचेस, एक पाइपिंग में कॉमन क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछा जाता है कि स्ट्रॉ बीन और स्ट्रॉ बॉर्न किसको बोलते हैं। स्ट्रॉ बीन इज इन व्हिच द स्टॉब और ब्रांच पाइप एक्सटेंड टू द इनसाइड डाया, कोई पाइप के इनसाइड डाया तक वो ब्रांच पाइप अगर एक्सटेंड करता है, इनसाइड डाया याद रखिए, इनसाइड डाया तक। ठीक है, अब द मेन पाइप एंड द जॉइंट विल बी फुल पेनिट्रेशन फॉर स्टॉब बीन, इन बोले तो अंदर तक गया टू द इनसाइड डाया, स्टॉब ऑन इन व्हिच द स्टॉब ब्रांच पाइप टच द आउटर डायमीटर एंड द जॉइंट विल बी ए फिलेट वेल्ड। ठीक है, उसमें फिलेट वेल्ड होता है स्टॉब ऑन में, स्टॉब इन में ये क्या होता है, एक फुल पेनिट्रेशन वेल्ड होता है। हाउ मेनी थ्रेड्स कैन बी विजिबल आफ्टर सिविल वेल्डिंग ऑफ थ्रेडेड जॉइंट्स, जीरो। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग, एक पाइपिंग इंस्पेक्टर के लिए आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग से आपको पूछा जाएगा कि आप क्या क्या इंफॉर्मेशन पाते हो, आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग से क्या मिलता है, लाइन रूटिंग, लाइन ओरिएंटेशन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग एलिवेशन, नॉर्थिंग और ईस्टिंग का एलिवेशन, ईस्टिंग का कोऑर्डिनेट मिलेगा और आपको उसमें एलिवेशन का भी मिलेगा। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल, इंसुलेशन टाइप, एनडीटी रिक्वायरमेंट्स, रिविजन स्टेटस, मेटेरियल क्लासिफिकेशन, डिजाइन, ऑपरेटिंग एंड टेस्टिंग, टेम्परेचर एंड प्रेशर, पेंट सिस्टम, पी एंड आई डी का डिटेल, स्लोप, सर्विस डिटेल्स, फ्लो डायरेक्शन, सपोर्ट डिटेल्स एंड नोट्स, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सब चीज मिल जाएंगे। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कभी भी पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो एटलीस्ट आपको इसमें कुछ पॉइंट बोलना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स डू यूज फॉर अ पाइपिंग इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर कौन से कोड्स एंड स्टैंडर्ड यूज करते हैं, बी 31.3, 31.1, 31.5, 31.9। 31.3 प्रोसेस पाइपिंग, 31.1 पावर पाइपिंग, 31.5 रेफ्रिजरेशन पाइपिंग एंड हीट ट्रांसफर कंपोनेंट्स एंड 31.9 बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील एंड सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, जो पाइपिंग इंस्पेक्टर होता है उसको मटेरियल के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कौन सा ग्रेड का आता है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा रहता है, क्योंकि फिटअप में, फिटअप एक पाइपिंग इंस्पेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिफोर होल्डिंग वो जो फिटअप होता है ना वो पाइपिंग इंस्पेक्टर ही चेक करता है। तो स्टेनलेस स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलॉयज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मेंबर, देयर आर मेनी ग्रेड्स एंड सब ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, वेयर इज क्रोमियम एंड निकल प्लेज ए वाइटल रोल। ठीक है, बहुत तरह का स्टेनलेस स्टील है, जनरली पांच तरह का है, उसमें क्रोमियम एंड निकल स्टेनलेस स्टील में क्या है, वाइटल रोल प्ले करता है। सो देयर इज एस इज डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज, फेराइटिक, मेटेनसेटिक, कस्टेनाइटिक, डुप्लेक्स एंड सुपर डुप्लेक्स। सो फेराइट एस एस इज मैग्नेटिक इन नेचर एंड हाई एम्बिएंट टेम्परेचर स्ट्रेंथ एंड लो वर्क हार्डनेबिलिटी, 405, 409, 430, 439 आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है,
ये होता है फेरेटिक कैटेगरी का। बाद में ऑस्टेनाइटिक में 300 सीरीज, 304, 316, 317, 321 जनरली जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर एंड वेरी डक्टाइल, ठीक है। देन मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील इज मैग्नेटिक एंड डिफिकल्ट टू वेल्ड एज कम्पेयर टू अदर। 410 एंड 420 आर बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इज हाई स्ट्रेंथ, हाई क्रोमियम इसमें रहता है इसलिए इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, जनरली 22% ऑफ क्रोमियम। इट इज मैग्नेटिक इन नेचर, 2205, 4462, इवन एस नंबर इज 31803, बिलोंग्स टू इट्स ग्रुप। एंड फाइनली सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इज ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड मोर करोजिव देन अदर्स, अराउंड 25% क्रोम, इवन एस नंबर इज 32750। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाल्व्स, नॉर्मल है क्वेश्चन, पाइपिंग और मैकेनिकल बोथ के लिए। गेट बाल, ग्लोब बाल, बटरफ्लाई बाल, मिडिल बाल, चेक बाल, कंट्रोल बाल और नाइफ गेट बाल। हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है कि इसका कुछ सिंबल ड्रॉ करिए, P&ID में उसका सिंबल दिया जाता है, गेट बाल, ग्लोब बाल, बटरफ्लाई बाल कैसे होते हैं, और शायद वो पूछ सकते हैं कि इन लोग बाल्ब का बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखेंगे तो बाल्ब के बारे में डिटेल में मैं उधर बताया हूँ, ठीक है। उसमें आप नोट बना सकते हो गेट बाल्ब का काम क्या है, ग्लोब बाल्ब का काम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑन द फंक्शन वी हैव फोर टाइप्स ऑफ बाल्ब्स, नॉन रिटर्न बाल्ब, आइसोलेशन बाल्ब, रेगुलेशन बाल्ब एंड स्पेशल पर्पज बाल्ब। तो बेस्ट ऑन फंक्शन वो बोलेगा नॉन रिटर्न बाल्ब कौन सा बाल्ब है, ठीक है, दैट इज अ चेक बाल्ब। तो वो आपको पता होना चाहिए, आप वो सब चीज अब मेरा मैं जो बाल्ब वाला वीडियो अपलोड किया आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। वट आर द मेन थिंग्स यू विल चेक बिफोर बोल्ट टर्किंग, बोल्ट टर्किंग से पहले आपको क्या चेक करना है, साइज ऑफ द बोल्ट, कैलिब्रेशन ऑफ टर्क रेंच, मैनुअल एंड हाइड्रोलिक रिक्वायर्ड, लुब्रिकेंट, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर थ्रेडेड लुब्रिकेंट एंड टॉर्क वैल्यू, ठीक है। E7018-1H4R डिफाइन ईच व्हाट दे स्टैंड फॉर। E7018-1H4R जो कोई बोलता है उसका मतलब क्या होता है, E का मतलब इलेक्ट्रोड, 70 का मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 70,000 PSI, 1 का मतलब पोजीशन, 8 का मतलब फ्लक्स कंपोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, 1 का मतलब टफनेस और इंपैक्ट स्ट्रेंथ, देन H4 इज हाइड्रोजन डिफ्यूजन लेवल एंड R फॉर मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ठीक है। एज पर ITP डिफाइन होल्ड पॉइंट, विटनेस, सर्वेलेंस एंड रिव्यू पॉइंट। पाइपिंग इंस्पेक्टर हो, मैकेनिकल इंस्पेक्टर हो, या वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो, या कोई भी किसी तरह का QC डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, उनको ITP के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो ITP में जनरली क्या क्या पॉइंट रहते हैं, होल्ड पॉइंट, विटनेस, सर्वेलेंस और रिव्यू पॉइंट रहते हैं। तो पूछ रहा है कि होल्ड पॉइंट क्या है, होल्ड पॉइंट, होल्ड पॉइंट नीड टू सेंड नोटिफिकेशन फॉर इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ओनर और क्लाइंट। अगर होल्ड पॉइंट ओनर उधर मेंशन किया है तो अब आपको वो जॉब शुरू करने, वो काम शुरू करने का, वो इंस्पेक्शन शुरू करने के टाइम में क्लाइंट का प्रेजेंस रहना जरूरी है, ठीक है। अगर क्लाइंट प्रेजेंट नहीं रह रहा है देन यू शुड गेट सम नोटिफिकेशन फ्रॉम हिम दैट ओके ही इज नॉट एबल टू कम, यू कैन प्रोसीड बट यू हैव टू वेट फॉर हिम, यू हैव टू इन्फॉर्म फॉर हिम फॉर द होल्ड पॉइंट, ओके। और उसके लिए आपको RFI रेज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन जो होता है वो रेस करना पड़ेगा। विटनेस पॉइंट नीड टू सेंड नोटिफिकेशन, सेंड नोटिफिकेशन मीन्स यू हैव टू सेंड एन RFI फॉर इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट एट द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विथ और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ओनर एंड क्लाइंट। आप RFI रेस करोगे उसमें डेट और टाइम मेंशन करोगे, उस टाइम में क्लाइंट आ सकता है नहीं आ सकता है, आप वो टाइम में अपना इंस्पेक्शन शुरू कर सकते हो, ठीक है। सर्वेलेंस पॉइंट नो नीड टू सेंड एनी नोटिफिकेशन फॉर एनी इंस्पेक्शन, आपको नोटिफिकेशन सेंड करने का जरूरत नहीं सर्वेलेंस पॉइंट के लिए, क्लाइंट कभी भी आके उधर आपका सर्वेलेंस चेक कर सकता है। रिव्यू पॉइंट आप मान लो कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कोई टेस्ट रेडियोग्राफिक टेस्ट हुआ उसका रेडियोग्राफिक फिल्म रिव्यू आया तो वो सब क्या है, उसमें कुछ विटनेस करने का जरूरत नहीं, क्या होल्ड पॉइंट नहीं चाहिए या सर्वेलेंस नहीं चाहिए, क्लाइंट वो जो टेस्ट रिपोर्ट आता है उसको रिव्यू करेगा, उसको रिव्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। राइट मिनिमम 10 हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट पंच लिस्ट आइटम्स प्रियर टू कमेंस हाइड्रो टेस्ट एट साइट। जब आप हाइड्रो टेस्ट करने के लिए जा रहे हो तब आपको क्या क्या चीज करना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, एक पाइपिंग इंस्पेक्टर का वो एक ड्यूटी है, ठीक है। ऑल हॉट वर्क शैल बी कंप्लीटेड, स्ट्रेनर्स शैल बी रिमूव्ड, ऑल NDT एंड DT शुड कंप्लीटेड, PWST शुड बी कंप्लीटेड, एडिक्वेट अटैचमेंट्स आर देयर, कोटिंग ऑन वेल्ड जॉइंट्स शैल बी रिमूव्ड,
कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड, टेस्ट ब्लाइंड्स, एमटीसी का टेस्ट ब्लाइंड अगर उसमें कुछ यूज हो रहा है उसका एमटीसी चाहिए, मेटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग फ्लूइड, क्या फ्लूइड आप यूज कर रहे हो उसका क्लोराइड कंटेंट, पीएच वैल्यू वो सब चाहिए, इसलिए उसको बोलता है टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग फ्लूइड्स। कंपोनेंट्स इन न्यू पाइपिंग सिस्टम व्हिच इंटरफियर विथ फिलिंग, वेंटिंग, ड्रेनिंग और फ्लशिंग शैल नॉट बी इंस्टॉल्ड, लाइक ऑरएफएस प्लेट, फ्लो नोजल्स, साइड गेजेस, साइड ग्लासेस, ये सब रिमूव करना पड़ेगा। ऑल जॉइंट्स, फ्लैंजेस, थ्रेडेड्स, वेल्डेड और मैकेनिकल सीर आर लेट एक्सपोज फॉर विजुअल लीक डिटेक्शन ड्यूरिंग द स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको सब एक्सपोज करना पड़ेगा, आपको पता चलना चाहिए। पेंट नहीं मारेंगे उसमें, ठीक है, पेंट मारेंगे तो लीक बंद हो जाएगा, लीक पता नहीं चलेगा लीक है कि नहीं है। ऑल परमानेंट फ्लैंज जॉइंट्स वर इंस्पेक्टेड, गैस्केट मटेरियल वेरीफाइड एंड प्रॉपरली टॉर्क, ड्रेन शैल बी प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट ऑफ द पाइपिंग सिस्टम, वेंट एंड ड्रेन वाल्व्स बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट कन्फर्म्स विद द पाइपिंग क्लास और रेटिंग, सपोर्ट्स आर इंस्टॉल्ड, एडिशनल टेम्पररी सपोर्ट मे बी इंस्टॉल्ड इज रिक्वायर्ड, एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड स्प्रिंग हैंगर्स और स्प्रिंग सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड विद टेम्पररी स्ट्रेनर्स, आर स्ट्राइक गाउजेस एंड अदर इंडिकेशंस ऑफ केयरलेस वर्कमैनशिप सच एज सरफेस पोरोसिटी, अनइवन वॉल प्रोफाइल एंड अंडरकट शैल बी रिमूव्ड बाय ग्राइंडिंग एंड इंस्पेक्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल और लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ये सब टेस्ट आपको पहले से कंप्लीट कर लेना चाहिए हाइड्रो टेस्ट करने से पहले, ठीक है। द प्रेशर टेस्टिंग मैनिफोल्ड इज सेपरेटली प्रेशर टेस्टेड टू एटलीस्ट 1.2 टाइम्स द सिस्टम टेस्ट प्रेशर बट नॉट लेस देन द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द पंप यूज फॉर द प्रेशर टेस्टिंग। अगर आप कोई मैनिफोल्ड यूज कर रहे हो उसका भी टेस्ट होना चाहिए। करेक्ट मेटेरियल यूटिलाइजेशन, ग्रेड शेड्यूल, बिल ऑफ मेटेरियल, करेक्ट फ्लैंज एंड फ्लैंज रेटिंग्स, सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको मैं जो ऊपर में जितना भी पॉइंट बोला, एक पाइपिंग इंस्पेक्टर उसको पूरा बराबर चेक करके देखना चाहिए कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अगर हुआ है तो हम लोग अलाउ कर सकते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए। वी पोल लोकेशन इन पाइप सपोर्ट, वी पोल कहाँ पर रहना चाहिए पाइप सपोर्ट में, वी पोल शैल बी लोकेटेड नियर बेस प्लेट फॉर ऑल वर्टिकल डमी पाइप सपोर्ट। जितना वर्टिकल डमी पाइप सपोर्ट रहता है वो बेस प्लेट के नीचे पास में रहना चाहिए, एंड नियर रन पाइप एट 6 o'clock पोजिशन फॉर हॉरिजॉन्टल डमी। इफ इट इज अ हॉरिजॉन्टल वन देन इट इज एट द 6 o'clock पोजिशन, ठीक है। व्हाट इज डेड लेग एंड एक्सप्लेन, डेड लेग क्या होता है। पाइपिंग सेक्शन दैट आर पोटेंशियल फॉर इंटरनल कोरोजन ड्यू टू फ्लो स्टैग्नेशन, जहां पर फ्लो स्टैग्नेशन होने का चांसेस है, फ्लो स्टैग्नेशन होगा तो कोरोजन होगा, वो कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हमको डेड लेग प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेड लेग आर क्रिएटेड मेनली बाय फ्लो स्टैग्नेशन एनहेंस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ सेटल वाटर एंड सॉलिड डिपोजिट्स। व्हेन द लेंथ ऑफ सेक्शन और ब्रांच फॉर 2 inch पाइप एंड लार्जर इज लॉन्गर देन 3 times इट्स पाइप डाया और 1.22 मीटर इन लेंथ, द लेंथ ऑफ डेड लेग इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड डाया ऑफ द हेडर टू द नियर ऑफ द ब्रांच पॉल। फॉर ब्रांच कनेक्शन 1.5 inch NPS एंड स्मॉलर, द लेंथ ऑफ डेड लेग इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द बस टू द नियर टू नियर एंड ऑफ द बॉल। इसका एक थंब रूल मैं आपको बताता हूं, अगर आपका कहीं पर फ्लो स्टैग्नेशन होता है या शार्प पेंच सब शार्प चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है तो वहां पर क्या किया जाता है, पाइप को एक्सटेंड करके 3 times द पाइप डाया, ओके, एक एरिया दिया जाता है जो उसका काम कुछ भी नहीं रहता है, बट दैट वर्क इज टू अवॉइड द फ्लो स्टैग्नेशन, ओके, जिससे वहां पर सॉलिड मटेरियल कुछ स्टैग होके ना रहे और करोजन ना रहे। इसके लिए हम लोग वो उतना एरिया को यूजलेसली प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई दे कॉल इट डेड लेग, इट हैज नो यूज, okay, that person has no use, that person of the pipe has no use, but that is purposefully given to avoid the flow stagnation and to avoid the corrosion, theek hai. What is the difference between variable and constant spring hanger supports? Variable spring hangers are the resistance of the coil of a load changing during compression. It is different in load at cold and hot setting. For fixed spring hangers provides constant support force for pipes and equipment subjected to vertical movement due to thermal expansion. ठीक है? Write any 2 types of pipe supports. Shoe, spring loaded, saddle and wear pad. What is the difference between erosion and corrosion? Erosion is a physical change of material whereas corrosion is a chemical change in material. ओके, ये आखिर पूछा जाता है बहुत सारे इंट्रो में, इरोजन और कोरोजन में क्या डिफरेंस है। इरोजन इज ए फिजिकल चेंज ऑफ मेटेरियल व्हाट इज करोजन इज ए केमिकल चेंज। करोजन हैपेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन लाइक कंटैक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर
Which causes loss of material? In erosion, it happens because of water, wind, acid, rain, etc. Difference between greenfield and brownfield project. What is greenfield and brownfield project? Greenfield means न्यू कंस्ट्रक्शन, जहां पर नया प्लांट लग रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट इन ए न्यू लोकेशन, ठीक है। ब्राउन फील्ड, मोडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर द सेम लोकेशन इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड। कहां पर प्लांट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, देन इट इज ब्राउन फील्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज? अपस्ट्रीम मतलब क्या है? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, मिट्टी के नीचे से तेल निकालने का जो क्रूड ऑयल होता है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। ओके, ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज ये सब अपस्ट्रीम है। मिडस्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, पाइपलाइन इंडस्ट्रीज, ये मिडस्ट्रीम है। आप अपस्ट्रीम में पहले तेल निकाले, तेल निकालने के बाद क्रूड ऑयल निकाले, बाद में उसको रिफाइनरी में कुछ किए, या उस सेम ऑयल को एक जगह से, क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरा जगह भेज रहे हो, तो दैट इज मिडस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम इज रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट हाउ मेनी प्रेशर गेज आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट शुड बी द प्रेशर रेंज? मिनिमम टाइम फॉर होल्डिंग द प्रेशर एज पर B31.3, एज पर ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 10 T1031, द प्रेशर गेज रेंज शुड बी इन बिटवीन 1.5 to 4 times। ओके, प्रेशर गेज का रेंज उतना में रहना चाहिए एंड मिनिमम टू प्रेशर गेज टू बी यूज, दो प्रेशर गेज हर जगह लगना चाहिए। एज पर B31.3 क्लॉज 4 345.2.2A, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर होल्ड इज 10 मिनट। इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका, जहां पर बड़ा लाइन होगा या द लाइन इज बिगर, ओके, आपको बहुत सारे जॉइंट है आप चेक नहीं कर पाते हो, तो दैट टाइम इट विल बी मोर टाइम, बट द मिनिमम टाइम विल बी 10 मिनट्स। हाउ डू यू वेरीफाई? नेम सेवरल आइटम्स टू बी चेक दैट द करेक्ट पाइपिंग मेटेरियल इज यूज। हाउ यू कैन वेरीफाई? यू कैन वेरीफाई बाय मेटेरियल स्पेसिफिकेशन, पाइप साइज, शेड्यूल लेंथ, फ्लांज फेस रेटिंग, वॉलेट साइज रेटिंग, थ्रेडेड एंड सॉकेट वेल टाइप, MTC और मेटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट एंड PMI रिपोर्ट, पॉजिटिव मेटेरियल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। हाउ डू यू आइडेंटिफाई फिटिंग्स एंड फ्लांजेस? फिटिंग्स एंड फ्लांजेस कैन बी आइडेंटिफाई बाय मेटेरियल स्पेस क्लासिफिकेशन, साइज, रेटिंग, जॉइंट टाइप, लाप टाइप, सॉकेट टाइप, थ्रेडेड टाइप, बॉट टाइप, वो हम लोग वहां से, फ्लांज से वी कैन आइडेंटिफाई। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस कंडीशंस देर आर एज पर B31.3, देर इज फोर, यूजली दे यूज फोर टाइप ऑफ सर्विस कंडीशन, दैट इज नॉर्मल सर्विस, कैटेगरी एम, कैटेगरी डी एंड हाई प्रेशर फ्लूइड सर्विस। तो कैटेगरी डी क्या है? दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन डैमेजिंग टू ह्यूमन टिश्यू। द डिजाइन गैस प्रेशर डजेंट एक्सीड 1035 kPa और 150 PSI। द डिजाइन टेम्परेचर इज फ्रॉम -29 टू 186 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कैटेगरी डी। कैटेगरी एम द फ्लूइड सर्विस इन व्हिच द पोटेंशियल फॉर पर्सनल एक्सपोजर इज जस्ट टू बी सिग्निफिकेंट एंड इन व्हिच ए सिंगल एक्सपोजर टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक फ्लूइड कॉज्ड बाय लीकेज कैन प्रोड्यूस सीरियस इरिवर्सिबल हार्म, दैट इज इट इज हार्मफुल। ओके, कैटेगरी एम। नॉर्मल फ्लूइड सर्विस, ए फ्लूइड सर्विस पर्टेनिंग टू मोस्ट पाइपिंग कवर्ड बाय दिस कोड, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द रूल्स फॉर कैटेगरी डी एम, एलिवेटेड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर सर्विस। हाई प्रेशर फ्लूइड, ए फ्लूइड सर्विस फॉर व्हिच द ओनर स्पेसिफाई द यूज ऑफ चैप्टर 9 सेक्शन 9 फॉर पाइपिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। हाउ डू यू चेक पाइपिंग फॉर द करेक्ट शेड्यूल? वेरीफाई पाइप मेटेरियल थिकनेस बाई वर्नियर एट द एंड ऑन सरफेस एंड स्टेंसिलिंग डन बाई द मैन्युफैक्चरर और हीट नंबर, ट्रेसेबिलिटी बाय MTC ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिल टॉलरेंस फॉर स्टील प्लेट्स एंड पाइप? इट इज 12.5% ऑफ नॉमिनल वॉल थिकनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ITP एंड QCP? इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और प्लान। ITP इज ए डॉक्यूमेंट डिटेलिंग ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच टू टेस्टिंग ए सिस्टम और प्रोडक्ट, मेटेरियल, कंपोनेंट, मशीन एंड कंटेन, स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन। बट QCP इज द डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट ऑल क्वालिटी रिलेटेड चेक पॉइंट्स। व्हाट इज द क्वालिटी रिलेटेड चेक पॉइंट्स? दैट इज मेंशन्ड इन द क्वालिटी कंट्रोल प्लान एंड बेस्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए प्रोडक्शन रन। व्हाट इज द टॉलरेंस फॉर ओवलिटी ऑफ पाइपिंग? इट इज जनरली 5%।
नॉमिनल डायआप एट एनी क्रॉस सेक्शन अदर देन द वर्ल्ड एंड एंड 3% एट द वर्ल्ड एंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्किंग सी एस एंड एस एस बोल्टिंग? सी एस बोल्टिंग टर्किंग इज हाई स्ट्रेंथ. येल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई एंड टॉर्क वैल्यू इज ऑल्सो हाई. बट फॉर स्टेनलेस स्टील येल स्ट्रेंथ इज लो एंड टॉर्क वैल्यू इज लो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एस टी एम एंड ए एस एम ई? ए एस एम ई जनरली स्पेसिफाई द रिलेटेड टॉपिक्स फॉर द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स लाइक बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स एंड पाइपिंग्स. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स दैट गिव्स द स्टैंडर्ड्स लाइक बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स एंड पाइपिंग. हाउ टू मेक अ बॉयलर, हाउ टू मेक अ प्रेशर वेसल्स, दैट विल से इन ए एस एम ई. बट ए एस टी एम स्पेसिफाई द डिटेल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड इन एस टी एम ई कोड. ए एस एम ई कोड, सपोज ए एस एम ई कोड से यू हैव टू यूज A106, A105. But what is the composition of A105 and A106 that you can find in ASTM, American Society of Testing of Material? For example, B31.3 for process piping, which is ASME code, and to know the material A105 chemical and mechanical characteristic, we need to check ASTM code. What is NES material and what is NES MRO175? NES, which is known as National Association of Corrosion Engineers, was established since 1943 and basically works on the action on anti-corrosion and improves skill on anti-corrosion. So what is MRO-175? MRO-175 or ISO-15156 contains material to use in hydrogen sulfide containing environment in oil and gas production. Okay. What is golden joint in piping? Golden joint kisko bolte hain? When it is not practically possible to perform a pressure test of a final closure weld that joins a new or replacement section of the piping to an existing system, it generally happens to tie-in joints or joints which doesn't fall on hydro. API 570 clause 8.2.6. The following steps need to be followed for golden joints. आपको कोई जॉइंट हाइड्रो के टाइम में हाइड्रो नहीं हो पाया या उसके बाद कोई चीज के लिए वो जॉइंट को कट करना पड़ा और बाद में रीहाइड्रो करना पॉसिबल नहीं है, तो वो जॉइंट को हम लोग गोल्डन जॉइंट बोल के कंसिडर करते हैं. और उसमें हम लोग कुछ एडिशनल स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कि उसका बराबर सब विजुअल चेक होता है, रेडियोग्राफी 100% किया जाता है, 100% MPI PTRT जो जो उसका टेस्ट है वो सब किया जाता है, तो उसको हम लोग गोल्डन जॉइंट बोलते हैं. और ऑल एडिशनल टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन दैट जॉइंट टू इंश्योर द जॉइंट इंटीग्रिटी वाज मेंटेन्ड. व्हाट इज गैप रिक्वायरमेंट फॉर सॉकेट वेल्ड फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन? इट इज 1.5 to 3 mm. ASME B31.3 फिगर 328.5.2.C. Give example of unique support details that allow piping freedom of movement for thermal expansion. Guide support, moving saddle support, expansion balloons, shoe support, spring loaded. When you will apply 24-hour recorder hydro test? When you will apply 24-hour recorder hydro test? This is only applicable where the joints are underground and it is not exposed. Then only you have to do a 24-hour recordable hydro test. Difference between carbon steel and stainless steel. Carbon steel, this is low cost, no chromium content, suitable for non-corrosive surface up to 350 degrees centigrade, and maximum carbon is 0.3%. For stainless steel, contains more than 12% chrome, 0.08% carbon, suitable for corrosive, cryogenic, high temperature service, and it is comparatively costly. Difference between RT and UT, this is as it is a welding question, but sometimes they for piping and mechanical guys also they ask, what is the difference between RT and UT? What is the difference between PT and MT? So RT uses X-ray or gamma ray to detect discontinuities. Reveals mostly volumetric planar defects and subsurface defects not detectable easily. But for UT, uses ultrasonic beam to detect discontinuities, reveal both planar and volumetric defects, but size and exact location of the defect are not easily identifiable. Possible only on material that do not retract 80 webs. Okay? For difference between PT and MT, only applicable for MT, it is only applicable for ferromagnetic material
able to detect both surface and subsurface discontinuities. For PT applicable for both ferromagnetic and non-ferromagnetic material. Able to detect only surface discontinuities. आपको अगर RT, PT, UT, MT के बारे में विस्तार में पता करना है तो ये मेरा चैनल में मैं ऑलरेडी उसका सेपरेट सेपरेट वीडियो पहले बनाया हूँ, कृपया उधर जाइए और उसके बारे में विस्तार में पता करिए कि RT, UT, PT और MT क्या होते हैं. How do you control material in fabrication shop? All materials shall have material specification and grade stamped or stenciled and clearly marked with permanent marker. All material heat number will be made traceable to MTC from approved vendor and no material substitution will be done without proper approval from the company. All materials shall be stored and stacked separately as per material grade. Heat number shall be transferred before cutting into pipes that have to be cut. All materials shall be color coded as per the traceability procedure. Write inspection items during valve installations. Valve type correction at the location, valve test certificate, valve tag as per P&ID, valve direction of flow as per P&ID, gasket bolts as per isometric and type, handle direction, chain wheel. These are the normal requirements. What are the major types of pumps? Overhung pumps, in between bearings and vertically suspended. For the pumps, we can categorize like centrifugal pumps, axial, mixed flow and peripheral. For positive displacement pumps, it is reciprocating piston plunger and diaphragm. Rotary, two types, single rotor and multiple rotor. Okay. Name the filler wire and electrode for P11, P22 and P91 materials. For P11, it is ER80SB2 or E8018B2. For P22, it is ER90SB3 or E9015 or 18B2. For E91, it is ER90SB9 and it is for electrode E9018B9. What are the difference between vertical pump and horizontal pump? The primary difference between vertical pump and horizontal pump is the position of the shaft. Horizontal is in horizontal position and vertical pump is the vertical position. For vertical suction and discharge is on opposite position while horizontal is on one side and discharge is on top. How to check pipe strain and what is the tolerance? As per API 686 chapter 6, indicators shall be mounted on the coupling hub to measure vertical and horizontal movement on the opposite machine as the pipe flange bolts are being tightened using a torque wrench. Maximum shaft movement is 0.05 mm or less. Tolerance for levelness and rotating for general purpose equipment and ASM pump is 400 micrometer per meter. For API pump, base plate is within 250 micrometer per meter. That is 0.05 mm is used. What is jacketed piping? Which core pipe is completely surrounded by another pipe? Okay, jacketed means one pipe and above that there is another one pipe is there. And in between this gap, there is some hot or cold fluid should be flowed as per the operation requirement to maintain the fluid temperature which is going at the core pipe. Okay. So, which core pipe is completely surrounded by another pipe which mainly works as an insulator for core pipe. Usually used to carry hot stream or hot water to maintain the temperature of material flowing inside the core pipe. Jacketed pipes are used for both hot and cold surface. Usually used for molten sulfur and polymer surface. So, what is material receiving inspection for pumps? What are the material receiving for pumps you have to do? FDR, final disposition or release report, pump confirmation to the application code and specification, vendor general arrangement, nameplate stamping the same with data sheet, pump serial number is plainly and permanently marked on pump casing API 610 para 5.13.3, then pump skid arrangement confirms P&ID. What are the types of balls? Ball ball, butterfly ball, check ball, gate ball, globe ball. This one already we have discussed. Difference between dog leg, drip leg, dead leg in piping. Dead leg already we have discussed. So now drip leg. Drip leg is used for removing entered moisture from stream transmission and distribution line to ensure high quality stream for use and prevent water hammering. Drip legs are located at point where condensate may accumulate to allow for drainage by gravity down to a steam trap for proper discharge.
For dead leg are provided in piping section that are potential for internal corrosion due to flow stagnation. For example, when a pipe system is connected to a flowing stream where it is not self-drained and it is not in thermal flow or potential for corrosion in service. For dead leg is dog leg is termed as the straightness of pipe, okay, which is measured in deviation from the total pipe length. Dog leg means it looks like a bend. As per API 5L, 24 mm in 12 meter is allowed, but some code allow 1 mm in 1 meter length. In a series of pipes are joined, as we see in the pipeline or gas line transmission, a maximum of 3 degree deviation is allowed. So what is the effect of soft foot? How to determine soft foot? How to eliminate soft foot? This is already we have discussed. Material receiving inspection for pumps, that's also we have discussed. So what are the API used for mechanical equipments? For mechanical equipments, API 610 for centrifugal pump, 611 for steam turbine, 616 for gas turbine, 617 for centrifugal compressor, 618 for reciprocating compressor, 650 for welded steel tanks, steel 660 for cell and tube heat exchanger, 661 for air cooled heat exchanger, 662 for plate and frame type heat exchanger, 674 for positive displacement pump, 675 for positive displacement pump with control volume, 560 for fire heaters, and 510 for pressure vessels. Preservation for rotating equipments. Lubrication of shaft and rotating per week 2 and quarter tons. Side glass lubrication. Energization of space heaters. Solid support and proper shelter and damage free. What are the preservation requirement for rotating equipment? आपको shaft rotate करना पड़ेगा 2 and quarter ton, नहीं तो stuck हो जाएगा. Side glass में lubrication आपको check करना पड़ेगा. Space heater का अगर उधर connection है तो उसको आपको connection करना पड़ेगा, नहीं तो bearing damage हो जाएगा. Solid support and proper shelter देना पड़ेगा and damage free. What to check prior to alignment of equipment? Foundation have reached compressive strength to a equivalent at the 28 days. वो जो बोल रहा है आप जो grouting करोगे वो grouting का strength 28 days में जो achievement होना है value वो achieve होना चाहिए. Packer plates are installed as per drawing elevation. Chipping for grouting is 25 mm to 50 mm. Anchor projection verticality. Anchor bolt diameter shall be minimum of 20 mm unless specified by vendor. Anchor size should be checked to ensure that it can insert or match to equipment bolt hole. Clean and free of latents. There should not be any latents. Location of vessels and foundation were verified to confirm with the coordinate in construction drawing. तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आएगा तो आपके दोस्त को साथ शेयर करिए और ऐसे ही आगे मेरा वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. नमस्कार दोस्तों. क्वालिटी मैग्नीफाई